कल बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्मों का क्लैश एक साथ हुआ। फर्स्ट वन इज राम सेतु एंड अनदर वन इज थैंक गॉड। वेलकम टू एंटरटेनमेंट गॉसिप, यहाँ सब फिल्मी है। मेरा नाम है वैभव। तो अभी अपन बात करने जा रहे हैं राम सेतु वर्सेस थैंक गॉड। वेल, आप बताओ कि आपको कौन सी मूवी इनमें से बेटर लगी है? पोस्ट योर कमेंट्स नाउ एंड लेट मी टेल यू गाइस कि राम सेतु मूवी ने लगभग फर्स्ट डे का जो कलेक्शन किया है वो है 15 करोड़ रुपीस के आसपास, और वहीं पर जो थैंक गॉड का कलेक्शन रहा वो थोड़ा कम रह गया है। इससे मैं आपको बता दूं कि 8 to 10 करोड़ थैंक गॉड का कलेक्शन रहा फर्स्ट डे का। तो भाई साहब, अक्षय कुमार ने बाजी मार ली है और थैंक यू गॉड। अक्षय कुमार ने डेफिनेटली बोला होगा, राहत की सांस ली होगी, क्योंकि उनकी पिछली जो मूवीज थी बैक टू बैक पिटी हैं, वो खुद जानते हैं। वो कपिल शर्मा के शो में कबूल भी कर चुके हैं कि उनकी मूवीज फ्लॉप हो रही हैं। तो अब थोड़ी बहुत राहत डेफिनेटली उनको मिली होगी कि यार एक अच्छी ओपनिंग मिली है फर्स्ट डे और लगता है मूवी लंबी जाएगी, उनको ऐसा फील हो रहा होगा। आई होप कि भाई साहब मूवी माइंड ब्लोइंग सुपर डुपर फैंटास्टिक हो जाए और अजय देवगन स्टारर थैंक गॉड भी सुपर डुपर हिट ही होकर वापस लौटे सिनेमाघरों से, ये नहीं कि स्क्रीन्स कम कर दिए गए। वेल, दोनों ही मूवी अच्छी पड़ रही है क्योंकि क्लैश हो गया है, तो अब एक ज़्यादा होगी एक कम होगी, ऐसा तो होना ही होना होता है भाई साहब। लेकिन आप अपनी च्वाइस बताओ, और आपने कौन सी मूवी देखी, थैंक गॉड देखी या फिर आपने राम सेतु देखी, और अगर दोनों देखी हैं तो कौन सी आपने ज़्यादा मूवी इन्जॉय करी, जल्दी से बताओ। पोस्ट योर कमेंट्स नाउ। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया, और साथ ही साथ क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि जो अपकमिंग वीडियोज हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।